दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैमरा रो फिल्टर के बारे में। कैमरा रो फिल्टर क्या होता है आइए देखते हैं। ये देखिए, ये एक इमेज हमने ले ली है दोस्तों, ये वाली। और आपने करना क्या है, यहाँ पे फिल्टर पे जाना है। ये शॉर्ट कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट ए। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये बहुत सारे ऑप्शन निकल के आ जाते हैं इस टाइप से। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं इसमें बेसिक कर्व्स डिटेल सारी चीज़ें इसमें हैं। तो बेसिक में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे। ये देखिए, एक्सपोजर इसका बढ़ा देंगे और थोड़ा सा इसका कंट्रास्ट बढ़ा देते हैं, हल्का सा इसका वाइट कम कर देंगे और थोड़ी सी इसकी विग्नेट बढ़ा देते हैं और सैचुरेशन थोड़ी सी इसकी बढ़ा देते हैं ताकि जो ना इसमें क्लियरिटी लगे। इसको हम यहाँ से बंद कर देंगे। उसके बाद में हम लेते हैं इफेक्ट। इफेक्ट में क्या करेंगे, हम यहाँ से विग्नेट इसकी थोड़ी सी इस टाइप से कम कर देंगे। ये देखिए, ये हमने विग्नेट कम कर दिए और इसको हमने बंद कर दिया है। उसके बाद हम कलर मिक्सर लेंगे। कलर मिक्सर में इसके हम थोड़े से जो है कलर जो है वो आपके बढ़ा देंगे इस टाइप से। और क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा आपने सेलिब्रेशन अगर डालना है, ह्यू डालना है इसमें, तो वो आप डाल सकते हैं, हल्का सा रेडिश इस टाइप से। इसको हम बंद कर देते हैं। और थोड़ी सी डिटेल अगर आपने इसमें शार्पिंग करनी है तो इस टाइप से आप इसको शार्पिंग कर दीजिए इसमें, ठीक है। और यहाँ से हम डालने के बाद में इसमें थोड़ी सी बेसिक इसमें और बढ़ा देते हैं हम। ये देखिए, और कलर मिक्सर की रिक्वायरमेंट अब नहीं है हमें। अब इस टाइप से आपकी इमेज ये आ गई है ना। यहां से आप ग्रेडियंट अगर इसमें फिल्टर डालना चाहते हैं तो ग्रेडियंट थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, जैसे कि इसके थोड़े से कलर हम कर देते हैं ये इस टाइप से, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं ओके। अब देखिए, ये आपकी इमेज इस टाइप से थी, अब इस टाइप से आपकी ये इमेज आ गई है। अब इसमें करना क्या है, यहाँ से आप अपनी लेयर्स को जीरो कर लीजिए, ठीक है। अब जब आप लेयर्स को जीरो करते हैं तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसमें एक इसमें लेयर क्रिएट कर लूँगा। और लेयर क्रिएट करने के बाद ये ब्रश आपके पास में है, यहाँ से एक आप छोटा सा ब्रश का पॉइंट यहाँ पे छोड़ दीजिए और इसको हम कर देते हैं स्क्रीन। ये आपने स्क्रीन कर दिया और स्क्रीन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इफेक्ट लेना है लट्स का, जो कि आपके पास में यहाँ अवेलेबल है, कलर लुकअप, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करेंगे हम और ये लट्स आपकी आ गई यहाँ पे। और यहाँ से हम कर देते हैं इसको हॉरर ब्लू में। देखिए, इस टाइप से आपका ये आ गया है। इसको थोड़ा सा लेंस को आप चाहें तो और भी जो ना मॉडिफाई इसमें कर सकते हैं थोड़ा सा इस टाइप से, ठीक है। तो ये आपकी एक प्रॉपर पिक्चर बन गई है जिसका आप आगे फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कैमरा रो फिल्टर को सीखिए और देखिए। सो प्लीज कीप वॉचिंग माई ट्यूटोरियल ऑन द यूट्यूब चैनल।